पानी की बोतल है। हाँ जी। ठंडा नहीं है? नहीं जी। 2 रुपए कम दो। लक्ष्मी बाई। हाँ लक्ष्मी बाई, लड़कियों से पंगा मत लो समझे, तो अगर हमारी इज्जत पे आती है ना तो हम छोड़ते नहीं है, फिर चाहे इज्जत की बात हो या एक बॉटल पानी की। क्या कर रही है सर? वो पानी नहीं। ये परेशान हो रहे थे, तू भी ना कभी भी निकल पड़ती है। आज गर्मी बहुत है ना, इस साल फसल अच्छी होगी, तू ठीक तो है ना? हाँ जी। सारी गलती हमारी भी नहीं, तो हमारी गलती है? नहीं नहीं सन्नू भी नहीं, तो आप कहना चाह रहे हैं माल हमारे वजह से खराब हुआ? और किसकी वजह से खराब हुआ? तो क्या तू 4 घंटे अगर खड़ी रखेगा गाड़ी तो माल खराब नहीं होगा? तो आप कह रहे हैं गलती हमारी है, ठीक है? किसकी गलती हो गया भाई? कुछ नहीं बाबू जी, एक गाड़ी वालों ने गड़बड़ की है ट्रांसपोर्टेशन में, 4 घंटे गाड़ी खड़ी रखी और अनाज सारा खराब हो गया। गीले अनाज को बोरी में अगर डालोगे ना, गर्मी है खराब होंगे ही होंगे, हमारी गलती नहीं है उसमें। नए तौर तरीके सीख लेते ना, अनाज भी बच जाते तो धंधा करना भी आ जाता। तुम क्या मतलब है तेरा है? तू हमें नए तौर तरीके सिखाएगा? ओ जी शांत हो जाओ जी। क्या शांत हो जाए, ठंड रखो जी, रात में बैठ के बात करते हैं ना। आओ जी छांव में आओ जी, चलो आ जाओ। कल रात के लिए मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारी बॉटल है। वैसे थोड़ी गलती ना तुम्हारी भी है, बोल नहीं सकते थे? चलो कोई बात नहीं, गलती इंसान से ही होती है, अगले टाइम मत करना ओके? ओ पाजी मैं हेल्प कर देता हूँ। जी पाजी आप तो चिंता ही मत करो, अब से सारे अनाज की देखभाल मैं अच्छे से करूंगा। तो माफ कर दो, बच्चा है। कपिल बच्चे कड़वा बोलते हैं और एकदम सच बात करते हैं। वो तो है जी, वो तो है जी। बैठो पुत्रो, बागवान ने पानी लिया जरा। ओनी अंकल जी लस्सी शस्सी होंगी तो मजा आ जाता। जसमीत पुत्र मैं क्या सब वास्ते लस्सी लिया। देखो कपिल जी अनाज ना 2 गाड़ियों में भेज दो। क्यों पुत्र जी? जिड़ा गिला सामान है वो चंडीगढ़ में दे दो, व्यापारियों को भेज देंगे, और सूखा सामान दिल्ली ले जाओ। हाँ जी हाँ जी, आओ जी लस्सी आ गई, लस्सी लाओ जी। आ लो जी लस्सी। बात तो एकदम आपने बढ़िया की जी।
देखो जी अनाज खराब नहीं होना चाहिए। ठीक तो है ना।